सीधे चलूंगा आपको बिग बॉल पर लेकर। आइए जरा, चीन का पाप सामने आया है, ये जो जानकारी हमारे सामने है हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये सीधे देखें इसको, ये जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने, देखें इसको, प्ले करें यहां पर, वो देखें किस तरीके से क्या हो रहा था, इंसानों से इंसानों में संक्रमण फैल रहा था। चीन ने क्या किया, डॉक्टरों को झूठ बोलने का कहा, बहुत बढ़िया। ये देखिए किस तरीके से वॉल बनाया गया, ये देखिए, नेक्स्ट चेंज करें, इंसानों से इंसानों में संक्रमण फैल रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन यहां पर अस्पतालों को चुप कर दिया गया। और इसका मतलब यह है कि वो वैलिड इंफॉर्मेशन, वो वाइटल इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ी। दिसंबर में ही सब पता चल गया था, लेकिन WHO को जनवरी के मध्य में बताया गया। इसके बाद में एक और शॉकिंग रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं। चीनी नए साल पर रोक की मांग की गई थी अधिकारियों ने, यह देखें, रोक की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने एक ना सुनी, क्योंकि उससे गलत इंप्रेशन जाता। डॉक्यूमेंट्री आउटब्रेक द वायरस दैट शॉक द वर्ल्ड में वुहान के डॉक्टरों ने सच बयां किया है, यह एक हमारे सामने बड़ी खबर है। चीन के कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने खुफिया कैमरों पर चीन की पूरी पोल खोल दी है। डर की वजह से डॉक्टरों ने अपनी पहचान छुपाकर ड्रैगन के सच को सामने लेकर आए हैं। पहचान छुपानी इसीलिए पड़ी, वरना ये सब कुछ खुलासा हो जाता तो उनकी मुश्किलें हो जाती। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरा पहला रिएक्शन मैं यहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं उनसे तो लूंगा ही, लेकिन डॉक्टर बायोत्रा आपसे सर शुरुआत कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा सिस्टमैटिक कहा जाए एक फैक्ट को छुपाने की साजिश थी, और इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने यह कहा कि अगर इन्होंने तब वॉर्न कर दिया होता तो जो बीमारी 5 साल में स्प्रेड आउट होती मैसिव वे में, वो पहले नहीं हो पाती, वो पहले हो गई क्योंकि चीन ने छुपाई चीजें। बेल, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, निप द इविल इन द बड। यस, यदि हम बड, जब इविल कोई बनने लगता है उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाए तो शायद एक बहुत बड़ा पौधा जो खतरनाक पौधा बनने से बचाया जा सकता है। और दिस इज़ वेरी, मुझे पूरा यकीन है कि हम जनवरी फरवरी में, हमसे बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ में हुआ था, हमने कहा था कि हमारे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो चाइना में थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो है सम बहुत गड़बड़, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत हो रहा है, बट एग्जैक्टली नोबडी नो व्हाट इज़ इट, लेकिन ये ज़रूर पक्का था कि कुछ ना कुछ दुनिया से नहीं बताया जा रहा, सामने नहीं आ रहा, और शायद दैट वॉज द टाइम। हम उस वक्त सारी दुनिया उसी वक्त लग जाती, WHO भी और बाकी भी सारे देश जो जिनके ऊपर बाद में संक्रमण का अटैक, जब तक मार्च तक लोगों को पता लगा जब तक तो सारी दुनिया में वहाँ से सारा संक्रमण फैल चुका था, शायद उससे इतना फेलियर, दैट्स वाई आज तक उसके लिए सारा दुनिया इसका जो खुमियाजा भुगत रहा है। आई फील सॉरी फॉर द होल वर्ल्ड and it should have happened ke bataya jana chahiye mujhe please zara please don't take me otherwise kyunki hum ye show kar rahe hain isliye sawal puch rahe hain but mera ek bahut hi straight forward question hai ye sare viruses china se hi zyada kyun aate hain well je viruses jo hain mostly je viruses jo hain je animals related hain jaise H1N1 tha swine flu hai बर्ड फ्लू है जे सारे जे जान जे आई अनफॉर्चुनेटली जे एक ऐसी एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बर्ड्स और जे चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, तो जे लोग वहाँ पे हमने देखा चमगादड़ वगैरह हैं, वहाँ के बड़े बड़े हाउसेज हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में ये हैं बर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे जे बैट्स से और जे ऐसे बहुत सारे हैं, और ये वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इनका शिकार करके या इनको खा के खाते हैं, मारते हैं, इनके साथ उनका जो खाते हैं काटते हैं, तो उनको हाथों को तो ग्लव्स नहीं होते हैं, कोई सेफ्टी मेजर कोई नहीं हुआ होता, तो ये सारे जो हमारे बॉडी के कोई बूंद से मुंह के से आंखों से नेजल कैविटी से वायरस ह्यूमन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये पहले तो ये बर्ड्स ये एनिमल्स के साथ चाहे बर्ड्स के साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये वायरस जो हमारे बॉडी में आ गया अपनी अपनी चाइना ने इकोसिस्टम को जितना ज्यादा खराब किया है, जितना इकोसिस्टम को खराब किया उसकी वजह से हो रहा है।